जिले के देवलियारा विधानसभा सीट पायलट का गढ़ है। ऐसे में टोंक दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने पांचों विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। पायलट बोले कि भाजपा पांचों विधानसभा सीटें हारेगी। अब जब पायलट ने इतना बड़ा दावा किया तो बीजेपी कैसे पीछे रहती। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी ने पायलट को करारा जवाब दिया। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले कि पिछले 8 महीनों में प्रदेश सरकार जनता को राहत देने में नाकाम रही। हम अच्छे और जीता उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, टिकट देना पार्टी का काम है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। तो जवाब में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी बोले कि पायलट मुंगेरी लाल के सपने ना देखें। तो वही बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता बोले कि पायलट पर्यटक की तरह आते हैं और पर्यटन करके चले जाते हैं। पिछले 5 सालों में टोंक ही नहीं, देवली उनियारा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस बार जीत बीजेपी प्रत्याशी की ही होगी। बताते चले कि हरिश्चंद्र मीणा ने 2023 विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई। हरिश्चंद्र मीणा सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। सीट पर मीणा, गुजर, माली, धाकड़ और एससी मतदाता का काफी प्रभाव है। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से 5 नामों की चर्चा है। पूर्व विधायक राम नारायण मीणा, जो 2008 से 13 तक इस सीट से विधायक रह चुके हैं, वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। धीरज गुजर का नाम भी चल रहा है। इन्हें प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। नरेश मीणा, हनुमंत मीणा और राम सिंह मीणा का नाम भी चर्चाओं में। तो वहीं बीजेपी से देवली उनियारा विधानसभा सीट पर 6 लोग टिकट की दौड़ में हैं। राजेंद्र गुजर, विजय बेंसला, अलका सिंह गुजर, विक्रम सिंह गुजर, सीताराम पोसवाल और प्रभुलाल सैनी टिकट की दौड़ में शामिल है। राजेंद्र गुजर 2013 से 18 तक इस सीट से विधायक रह चुके हैं। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।